हेलो भाइयों, मैं हूं तुषार गौतम। और भाई, आज हमारे पास न्यूली लॉन्च ह्यूंडई की ग्रैंड आइटन नियोस। और इस बार भाई कंपनी ने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स इसके अंदर डाल दिए हैं। एक एक करके हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसकी जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है, ये टॉप मॉडल है। वैसे इस टॉप मॉडल की मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ, 7,92,000 के आसपास आपको ये एक्स शोरूम कीमत पे मिलती है। और अगर आप ऑन रोड की बात करते हैं तो 9,10,000 के आसपास आपको ये मिल जाती है। और इसका भाई पीछे की साइड से सेक्शन में दिखाऊंगा, वो भी पूरा अपडेट कर दिया है टेल लाइट से। और नीचे की साइड भी आपको इसके अंदर चेंजेस नज़र आ रहे होंगे, तो हम एक एक करके उसकी बात कर लेते हैं। फ्रंट लुक की अगर आप बात करोगे तो जैसे आपको पहले हेडलैम्प्स मिलते थे, कुछ वैसे ही डिज़ाइन के मिलते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर प्रोजेक्टर मिलता है। और नीचे की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डीआरएल्स मिल जाते हैं, जैसे जो टाटा के अंदर ट्राई एरो डिज़ाइन आता है, कुछ वैसा वैसा सा आपको इसके अंदर जो इसका डिज़ाइन है वो मिल जाता है। ग्लोसी ब्लैक फिनिश के अंदर आपको इसकी जो ये पूरी ग्रिल मिलती है। और एक चेंज और आपको मिलेगा, ये जो ह्यूंडई का लोगो आप देख रहे हो, ये सैटन फिनिश के अंदर कर दिया गया। पहले ये क्रोम में आता था, लेकिन अब ये सैटन सी फिनिश कर दी गई है, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और भाई, साइड लुक से कुछ ऐसी है नजर आ रही है, और रेड कलर के अंदर तो भाई क्या जबरदस्त ये नजर आ रही है, बिल्कुल रेड हॉट ब्यूटी लग रही है। इसके अलॉयज की बात करें तो भाई कुछ ऐसे इसके अंदर अलॉयज मिलते हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो 175/60R15, और आपको ये ग्लोसी ब्लैक और सेटन फिनिश के अंदर मिलते हैं, डुअल टोन फिनिश में। और भाई ह्यूंडई के जितनी भी कार्स हैं उसमें अलॉयज का डिज़ाइन काफ़ी आई कैची रहता है, और वही इस गाड़ी के साथ भी है। अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो वो आपको बिल्कुल सिमिलर मिलती है जो कि इसकी प्रीवियस जनरेशन थी उससे। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 165 mm की मिलती है, जो कि सिटी ड्राइव के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और यहाँ पर देखोगे ORVM देखोगे तो वही आपको पहले वाले मिलेंगे। यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं, और ड्राइवर साइड आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। पीछे की साइड भी क्रोम डोर हैंडल है, और यहाँ पर i10 की बैजिंग मिलती है। ऊपर की साइड आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। और भाई कसम से ये जो अलॉयज है ना, काफ़ी सूट कर रहे हैं भाई इस गाड़ी पे। अब चलते हैं भाई पीछे की साइड। तो भाई पीछे की साइड आपको देखोगे टेल सेक्शन में आपको बहुत ही एक मेजर अपडेट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो है कनेक्टिंग लाइट्स कर दी गई हैं, और LED सेटअप आपको इसके अंदर मिलता है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर जो ये ग्लो कर रहा है तो भाई काफ़ी प्यारा लगता है। नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको बल्ब ही मिलेंगे, लेकिन जो LEDs यहाँ पर दी गई हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। एस्टा की बैजिंग मिल जाती है, वो भी आपको सैटन फिनिश के अंदर मिलती है, टॉप वेरियंट है। सेंटर में आपको नियोस की बैजिंग और ह्यूंडई का लोगो भी मिल जाता है। और ये यहाँ पर आपको बैक कैमरा मिलता है, यहाँ पर ग्रैंड आइटन है, और दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और कुछ ऐसा सा इसका ओवरऑल लुक है। यहाँ पर डिफोगर और वाइपर भी आपको मिल जाता है, ऊपर हाई स्टॉप लैम्प भी मिल जाता है। अब चेक करते हैं भाई एक बार इसका बूट। तो भाई बूट भी आप देखोगे तो थोड़ा डीप आपको ये ज़रूर मिलता है, और यहाँ पर आपको इसके लिए लाइट मिल जाती है, बूट लैंप। और इसकी अगर कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 260 लीटर्स का आपको ये मिल जाता है, जो कि डिसेंट इनफ है इस साइज़ की कार के लिए। और यहाँ से करते हैं भाई इसको बंद। तो ये है भाई इसका ओवरऑल आउटर लुक, जो कुछ ऐसा है। और काफ़ी अच्छे मेजर एक्सटीरियर जो इसके अंदर चेंजेस हुए हैं उससे भाई काफ़ी अच्छी लुक इसकी निकल के आई है। अब चलते हैं हमें ग्रैंड आइटन नियोस के इंटीरियर में, देखते हैं हमें क्या कुछ फीचर्स इसके अंदर नए मिलते हैं। डुअल टोन कलर के अंदर आपको इसका इंटीरियर मिलता है पूरा। डोर ट्रिम की अगर बात करें तो वहाँ पर भी आपको डुअल टोन मिल जाती हैं, और एडजस्टेबल आपको इसके लिए ये मिरर्स मिल जाते हैं, साथ में ऑटो फोल्डेबल फीचर के साथ भी ये आपको मिलते हैं। और यहाँ पर आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर मिल जाती है,
और अब चलते हैं भाई अंदर की साइड, देखते हैं और क्या क्या ये हमें ऑफर करती है। डोर को कर लेते हैं बंद और इग्निशन करते हैं ऑन। और भाई एसी ऑटो पे है और एक बार स्टार्ट कर लेते हैं भाई, काफी गर्मी हो रही है। स्टेयरिंग की अगर हम बात करें तो भाई आपको इसके अंदर काफी प्रीमियम मिलता है। इस पे जो आपको स्टिचिंग जो है वो लेदर की मिल जाती है, साथ में इसके अंदर भाई आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। टो वेरिएंट है तो भाई भर भर के फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। यहाँ पर देखोगे तो वॉल्यूम के अप डाउन के बटन मिल जाते हैं और स्टेयरिंग को जो है आप वो ऊपर नीचे आप कर सकते हो, अप डाउन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो है आपको ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं, साथ में जो है इस साइड आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और इसकी जो MID है वो आपको कहीं ना कहीं क्रेटा से सिमिलर आपको मिलेगी, तो ऐसे कुछ उसके अंदर आपको पूरा दो एनालॉग मीटर के साथ और छोटी सी एक MID मिल जाएगी। यहाँ से आप उसके फीचर्स को टॉगल कर सकते हो यहाँ से। और काफ़ी धूप है तो आपको शायद से प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ फिर भी दिखाने की आपको। हाँ तो यहाँ से उसको टॉगल कर सकते हो आप, ठीक है भाई। और अब करते हैं सेंटर कंसोल की बात। तो यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है और 8 इंच का आपको ये टच स्क्रीन मिल जाता है, जिसमें कि एंड्रॉयड और एप्पल कार प्ले जो कि पहले भी आते थे वो आपको इसके अंदर मिलेंगे। लेकिन आपको जो एंड्रॉयड ऑटो है और एप्पल कार प्ले है वो वायर्ड मिलता है, वायरलेस नहीं मिलेगा। और नीचे की साइड आपको जो है एसी के वेंट्स मिलते हैं, यहाँ पर टिकटॉक करने के लिए मिल जाता है। और ऑटो इसके अंदर एसी मिलता है और यहाँ पर टाइप सी का आपको चार्जर मिल जाता है, चार्जिंग पॉइंट। और यहाँ पर जो है मैनुअल इसके अंदर गियर बॉक्स मिलता है, ऑटोमेटिक में भी ये ऑफर की जाती है कार। और 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है इसके अंदर। भाई एक कमी छोड़ दी है, इसके अंदर आर्मरेस्ट नहीं आता है, अगर वो दे देती तो भाई चांद चांद लग जाते। यहाँ पर जो है आपको हैंडब्रेक मिलता है। डैशबोर्ड की बात करें तो ड्यूल टोन के अंदर आपको ये मिलता है, यहाँ पर कुछ आपको पैटर्न सा मिल जाता है। और ग्लो बॉक्स का स्टोरेज आपको कुछ ऐसा मिलेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो। और भाई यहाँ पर जो है आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, IRVM आप देख सकते हो, यहाँ पर डे नाइट के लिए मिलता है। और यहाँ पर आपको कोई भी मिरर नहीं दिया गया है। सेंटर में आपको यहाँ पर एक लैंप मिलता है। और ओवरऑल जो है कुछ ऐसे आपको इसका फ्रंट साइड से कैबिन मिलता है। बाकी इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है और ESP भी मिलता है। तो बहुत सारे इसमें एडिशन फीचर हैं जो कि इस कार की स्टेबिलिटी के लिए है, जो कि पहले नहीं आते थे और अब आते हैं, वो इसके अंदर मिल जाते हैं। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें दे दिया गया, आप देख सकते हो टायर प्रेशर इसमें शो कर रहे हैं, तो जैसे ही गाड़ी थोड़ी चलेगी तो आपको इसके अंदर वो शो होने लग जाएगा। अब चलते हैं भाई पीछे की साइड और आपको दिखाता हूँ मैं क्या कुछ स्पेस ये हमें ऑफर करती है। बैठ के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो फ्रंट सीट है वो पीछे कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हो स्पेस काफ़ी अच्छा है। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं इसमें दो, और यहाँ पर आपको पीछे की साइड भी एसी के वेंट्स मिल जाते हैं और पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है यहाँ पर। तो पीछे की साइड स्पेस के मामले में पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी और अभी भी आपको इसके अंदर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो कुछ ऐसा इसका इंटीरियर मिलता है। बात करें नियोस के इंजन की तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका इंजन बे ये ऑफर करती है भाई, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। और इसका जो इंजन बे है कुछ ऐसा ये नज़र आता है। पावर फिगर्स की अगर हम बात करें तो 82 BHP की पावर ये जनरेट करती है और 113 Nm का टॉर्क। और यहाँ पर आप देख सकते हो K1.2 Hyundai का ये इंजन है और काफ़ी रिफाइंड इंजन है भाई। और आपको यहाँ पर आइसोलेशन के लिए भी कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि भाई इसके अंदर बहुत ही एक
रिफाइंड इंजन है। मारुति के और हुंडई के इंजन काफ़ी रिफाइंड होते हैं भाई, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं आएगी और एवरेज भी आपको काफ़ी अच्छी इसके अंदर मिल जाएगी। और इसके अंदर भाई कंपनी ने काफ़ी अच्छे जो कि सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी ऐड कर दिए, जैसे इसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं टॉप वेरियंट में। तो धीरे धीरे भाई इस सेगमेंट में सभी गाड़ियों में जो है 6 एयरबैग्स आ जाएंगे। गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट ने इन कार मैन्युफैक्चरर्स को इंस्ट्रक्शन दे दी है, तो धीरे धीरे आपको सेफ्टी जो है इस सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। और ESP, ABS वगैरह सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो ये है भाई ओवरऑल ग्रैंड आइटन नियोस। आप कमेंट करके बताना आपको ये गाड़ी कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुषार गौतम। Tell me that you love me.